स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट करेंगे. मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब लोग एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं एंड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, देयर आर मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर, वहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग कार्य करते हैं और ये सब मिलके भी एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं. मतलब कि तुम अपना कुछ पढ़ रहे हो, वो अपना कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, और सारे के सबका गोल क्या है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं. इसी तरह एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर किसी का काम भी अलग अलग होता है, पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कंपनी को फायदा पहुंचे. तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि लोग जो हैं चाहे अलग अलग काम कर रहे हैं पर उनका एक ही उद्देश्य से वो काम करें, कंपनी के गोल को अचीव करवाना. तो हम बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दे रखी है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू इफेक्टिवली through others to effectively achieve the organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment. इस बार सैम्पल पेपर में ये लाइन डाली हुई थी, तो अंडरलाइन कर लो. आपको क्या कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक. इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, काम करना खुद से और दूसरों के द्वारा ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके. और कैसे अचीव कर सकें, बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज. जो कंपनी में ऑलरेडी रिसोर्सेज कम हैं उनको बहुत अच्छे से यूज करके कर सके. तो पेपर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कि कौन से प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. आप लिखोगे मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन पेपर में था, अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद मैनेजमेंट की आपको दूसरी डेफिनेशन, आपको बुक में गिवन है कि नहीं गिवन है, ये बॉक्स में गिवन होगी कहीं पे. मेरे पास इस वक्त एनसीईआरटी नहीं है. डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, हां बॉक्स में. हां सिद्धार्थ, तुम्हारी बुक में है डेफिनेशंस? सुभाष दे में है तुम्हारे पास? सुभाष दे इस वक्त, हां ये डेफिनेशंस अंडरलाइन कर लेना. आपको डेफिनेशन फिर इन द ब्लैंक्स की तरह आ जाएंगी, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना. दूसरा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन ग्रुप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्पलिशिंग द सिलेक्टेड एम्स. ऐसा माहौल को सेट करना जहाँ पे लोग मिलके एफिशिएंटली काम कर सके. नेक्स्ट आपको एक और डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. आपको इस तरह से दे रखी होगी, ये भी आ सकती है, बस आपको इतनी करनी है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन दे रखी है. Management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ये बहुत important line है, मिली? Management एक ऐसा process है जिसके अंदर आप लोगों से काम करवाते हैं. एक manager खुद काम नहीं करता है, वो लोगों से काम करवाता है. और वो कैसे काम करवाता है, ताकि goals achieve हो सके. और goals कैसे achieve हो सके, effectively and efficiently. ठीक है, इसमें तीन word खास है, process, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये तीन वर्ड्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछ लेंगे प्रोसेस का क्या मतलब है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, एफिशिएंटली का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोसेस पे. प्रोसेस का मतलब है इसके अंदर पांच फंक्शंस होते हैं जिससे मिलके मैनेजमेंट बना है. उन पांच फंक्शनों का नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आपकी बिजनेस स्टडीज का. ठीक है, तो पांच तत्वों से बना है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग अब मैं आपको मुख्य मुख्य समझा रही हूँ, इधर आ जाइएगा. फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग. प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. आपको ये सैंपल पेपर में लाइन दी हुई थी, प्लानिंग इन एडवांस. ठीक है, पहले से ही सोचना कि क्या करना है और कैसे करना है. तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक की तरह आ जाएगा, विच फंक्शन सेज, विच फंक्शन फोकस ऑन व्हाट टू डू इन एडवांस एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड प्लानिंग. इसके अंदर आप पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, टारगेट पहले से ही सेट करते हो, उसके हिसाब से प्लान्स बनाते हो ताकि उनको आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सको. प्लानिंग जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, पर आपको काफी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है और उसके हिसाब से प्लान बनाने में हेल्प करता है. आज डेट पे जाऊंगा, पापा ने देख लिया तो इस रास्ते से नहीं जाऊंगा क्योंकि पापा देख सकते हैं, वहां से नहीं जाऊंगा क्योंकि बहन का कॉलेज वहां पड़ता है. ठीक है, तो अगर आपने पहले से प्लान कर रखा होगा तो आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन है, मुझे क्या क्या करना है, कैसी कैसी सिचुएशन मेरे साथ हो सकती है, कहाँ कहाँ मैं फंस सकता हूँ और मुझे उसके लिए क्या क्या प्लान सोच के रखना है. तो प्लानिंग आपको हेल्प करता है.
ऑर्गेनाइजिंग अंडरलाइन ऑर्गेनाइजिंग भी इस बार सैम्पल पेपर में पूछी हुई थी. इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, जिसमें आप दूसरों को ड्यूटी देते हो कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है. आप ग्रुप करते हो टास्क को कि ये वाला एक जैसे काम है इनको एक तरफ कर दो, ये वाले एक जैसे काम है इनको एक तरफ कर दो. इसमें आप रिपोर्ट रिलेशनशिप बनाते हो, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि तुम्हारा बॉस कौन होगा, तुम्हारा जूनियर कौन होगा. और आप रिसोर्सेज देते हो कि तुम्हें इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तुम्हें इतने रिसोर्सेज मिल रहे हो, ताकि आप एक प्लान को कर सको. फिर एक लाइन छोड़ के इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में रह के करेगा. इतना क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ भी अंडरलाइन कर लेना. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स. इसमें आप डिपार्टमेंट बनाते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिपार्टमेंट बनाना. सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हो कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है. अब हम आते हैं स्टाफिंग पे. स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. जो जिस काम के लिए अच्छा है उसे उसी काम के लिए हायर करा जाए, ठीक है. अकाउंट्स वाले टीचर को आप नहीं कहोगे इंग्लिश पढ़ा, है ना. स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. इसमें सही लोगों को सही काम के लिए ढूंढा जाता है, सही क्वालिफिकेशन, सही स्किल्स के साथ और सही समय पे भी, ठीक है. बिजनेस स्टडीज की टीचर फर्स्ट ईयर में ढूंढोगे या ट्वेल्थ में ढूंढोगे? ट्वेल्थ में. सही समय की भी जरूरत है. अब फर्स्ट ईयर में तुम्हें आगे कोई कहे मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, क्या कर लोगे? मान लेंगे और कहेंगे बाय बाय, ठीक है. तो इसके अंदर आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ये सब करते हो. इसमें ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है, डायरेक्टिंग, ठीक है. आप महेश भट्ट बन जाते हो और बताते हो सुशांत का कत्ल कैसे करना है, कैसे नहीं. तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट. कि रिया चक्रवर्ती अच्छे से मारे उसको, अच्छे से ड्रग से, ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो डायरेक्टिंग में आप लोगों को बताते हो क्या काम कैसे करना है और उन पर नजर रखते हो कि वो ढंग से वो काम कर रहे हैं कि नहीं. कोई सजा नहीं हुई, सजा में मजा. इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज. के अंदर आप लोगों को लीड करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो कार्य कर सके. इसमें आप ऐसा माहौल सेट करते हो जिसमें लोग खुद ही इनकरेज हो जाए और कहें हाँ जी हम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे कंपनी के लिए, ठीक है. मोटिवेटिंग का मतलब ऐसा माहौल बनाना जहाँ पे लोग खुद ही अपनी इच्छा से काम करना चाहें, ठीक है, खुद ही एंथुजियास्टिक होना चाहें. इसको पहले सर के पास होकर आओ, पहले सर के पास होकर आओ. टेस्ट क्यों नहीं दिया? अभी रौनक सर की क्लास खत्म करके आया. तो वो मेरी टेंशन है. मैंने सर को मैसेज तो डाल दिया था, दे दो वो टेस्ट. और लेट आए हो तीनों तक बैठक. तो मैं सर के पास हूं ना क्लास में, देखो वक्त पे आया हूं घर से. रो क्यों रहे हो? अरे वो भी दे चला गया. अच्छा ठीक है, चैप्टर 1 रिवाइज करवा रही हूं. लीडरशिप में आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को. इन्फ्लुएंस वर्ड आ गया, ये सैंपल पेपर में था. इन्फ्लुएंस कर रहे हो अगर आप किसी को तो वो लीडरशिप है, ठीक है. ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशंस के अंदर ही मिलेगा, ठीक है. तो अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो लीडरशिप कहलाती है, वो मोटिवेशन नहीं कहलाती है, ठीक है. कंट्रोलिंग में आ जाना. कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इसके अंदर आप ओए क्या लाया टिफिन में, आज सारा टिफिन मेरा होना चाहिए, समझ गया, ऐसे करती थी. तो इट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. कि हमें इतना लाने थे मार्क्स, 90% तक लाने थे, आए हमारे 40% है, तो उसमें कंपेयर करना कहाँ कमी रह गई और करेक्टिव एक्शन लेना. इतना समझ में आया? ये थे प्रोसेस 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये प्रोसेस का पार्ट बनता है. अगला मुख्य शब्द है इफेक्टिवनेस, ठीक है. इफेक्टिवनेस का मतलब है बस काम पूरा हो जाए, ठीक है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम पूरा हो जाए चाहे वो 10 दिन बाद हो, ठीक है. मैम मैंने ये चैप्टर का टेस्ट तो दे ही दिया ना, चाहे मैंने 10 दिन बाद दिया, तो अभी तुम इफेक्टिव बन जाओगे जब तुम इको का टेस्ट दोगे, काम तो पूरा हो गया ना, ठीक है. एफिशिएंट का मतलब है सही समय के अंदर अंदर रह के काम कर लेना, दैट इज एफिशिएंट. तो तुम इफेक्टिव हो सकते हो, एफिशिएंट तो नहीं हो, ठीक है. Effectiveness is concerned with doing the right task, completing activity. Keyword is completing activity. Effectiveness मिला? कहाँ आगे तक चले जाते हैं?
कोऑर्डिनेशन तक आ गए। यहाँ पे इफेक्टिवनेस, यहाँ तो कंप्लीटिंग टास्क इज ऑल अबाउट इफेक्टिवनेस अचीविंग गोल्स, इन अदर वर्ड इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, जो चीज पूरी करनी थी वो पूरी हो गई, वो आपका इफेक्टिवनेस है। फिनिशिंग द गिवन टास्क, ये काम करना था ये कंप्लीट हो गया, दैट इज ऑल इफेक्टिवनेस इज, ठीक है। सिर्फ काम का पूरा होना, चाहे वो 10 दिन बाद भी हो, दैट इज इफेक्टिवनेस। किसी को कोई डाउट? गुरुवंश, प्रियांशी, सिद्धार्थ, प्रियांशी, एफिशिएंसी होता है मिनिमम कॉस्ट मिनिमम टाइम में पूरा करना, ठीक है। तो अगर आप जो है, मुझे एक बात बताओ किरण, तुमने जो है अगर कल ही टेस्ट दे दिया होता पर तुमने तैयारी नहीं कर रखी, दे दिया तैयारी नहीं कर रखी, तो तुम एफिशिएंट तो हो, ठीक है, सॉरी तुम इफेक्टिव तो हो, नहीं एफिशिएंट हो पर इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि तुमने जो है वो तैयारी तो पूरी करी नहीं, तो काम तो कम्प्लीट हुआ नहीं तुम्हारा लर्निंग का, पर तुमने मिनिमम टाइम में वो दे दिया, ठीक है, टाइम कम लिया तुमने। अगर तुम समय कम ले रहे हो, पैसा कम लगवा रहे हो, तो तुम एफिशिएंट हो, ठीक है, काम पूरा कर रहे हो तो तुम इफेक्टिव हो। अगर तुम टाइम कम ले रहे हो, पैसा कम लगा रहे हो, पर काम पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या हो और क्या नहीं हो? ठीक है, काम पूरा कर रहे हो पर 25 दिन बाद कर रहे हो, ठीक है, ना इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों हो। अगर दोनों सही समय के अंदर अंदर रहते हुए सही कॉस्ट के अंदर पूरा काम कर रहे हो, तो तुम इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, ठीक है। एफिशिएंसीज इंक्रीज जब आप कम पैसा लगाते हो, कम समय लगाते हो, कम लोगों को हायर करते हो, कम सैलरियां बांटते हो, और ठीक है, और आप सेम आउटपुट जितना चाहिए होता है उतना देते हो लेस कॉस्ट में, ठीक है। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में झगड़ा आता है कि अगर एक बंदा एफिशिएंट है और इफेक्टिव नहीं है तो उसके क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या रिपरकशन होगा, और अगर एक बंदा जो है उल्टा है, जो मैं भूल गई मैंने पहले क्या बोला था, तो उसका क्या होगा इफेक्ट। तो अगर आप इफेक्टिव हो, काम पूरा कर देते हो, पर उसे आप सस्ते में नहीं कर पा रहे, कम समय में नहीं कर पा रहे, ठीक है, काम पूरा कर देते हो पर सस्ते में नहीं कर पाते, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ मेरे को 10 रुपये में बनानी थी, मेरी वो बन तो रही है पर वो 20 रुपये की बन रही है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई, मैं एफिशिएंट नहीं हूँ पर इफेक्टिव हूँ, काम पूरा कर देती हूँ पर महंगे में, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और वहीं पे अगर मैं एफिशिएंट हूँ, मैं सस्ते में चीज़ तो बना रही हूँ पर जितने ऑर्डर हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, मुझे 200 का ऑर्डर आया इतने रेट पे, मैंने 100 पीस बना के दे दिए, 200 पीस नहीं बना पाई, तो अब इसका क्या नुकसान होगा, मेरा कॉम्पिटिटर एंटर कर जाएगा मार्केट में, और कॉम्पिटिटर बोलेगा वो 100 यूनिट मैं देती हूँ और बाकी के 200 यूनिट्स भी आगे से मुझसे लेना, समझ में आई? तो कौन सी स्थिति ज्यादा खराब है, मेरा मार्जिन कम होना या मेरे कॉम्पिटिटर मेरा काम ले जाए? दोनों में ज्यादा कौन सा खराब है? कॉम्पिटिटर आपका काम ले जाए, ये सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है। मैं घाटा, इंसान घाटा सह लेता है पर आपका बिजनेस कोई ले जाए ना, वो बड़ा दुख देता है, याद रखना। तो अगर आप एक टाइम पे एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हो चलेगा, पर इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ में आया? तो काम पूरा करो, भले ही 4 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, अगर स्थिति आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, 4 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, एफिशिएंसी थोड़ी जा रही है, कोई बात नहीं, इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों में से एक को चुनना हो तो इफेक्टिवनेस चुनना हमेशा, समझ में आया? गुरुवंश, प्रियांशी, सिद्धार्थ, ठीक है। अभी हम प्रोसीड कर देती हूँ। द टू टर्म इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। मैनेजमेंट को देखना होगा कि काम समय पे भी हो, कंप्लीट हो, और कम पैसे लगकर, कम चीजें, कम रिसोर्सेस लगकर हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समटाइम अ बिजनेस कॉन्सेंट्रेट ऑन इफेक्टिवनेस, कई बार क्या होता है कि हम जो है इफेक्टिवनेस पे फोकस कर रहे होते हैं और एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करते हैं, तो उससे चीज़ हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमें महंगा पड़ता है और उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया हुआ था कि 10,000 यूनिट्स बनाने थे पर वो 10,000 बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा लेबर हायर करी, ओवर टाइम काम कराया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ गई। तो हम इफेक्टिव तो हो गए पर हम एफिशिएंट नहीं हो पाए। ऑन द अदर हैंड मैनेजर जो है समटाइम जो है काम तो सस्ता कर लेता है पर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाते हैं। तो मैनेजर एफिशिएंट तो है पर इफेक्टिव नहीं है। कंक्लूजन कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, दोनों में बैलेंस
बनाना चाहिए, बट हम हाई एफिशिएंसी के चक्कर में उसको जो है इफेक्टिवनेस को नहीं छोड़ सकते, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना क्लियर है? एक बार तुम दोनों मास्क लगा लो क्योंकि अब ना सी थ्रू होना शुरू हो जाएगा, गेट अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। मैं भी टांग लूँ, बस मैंने रखा है, मुझे मिल जाए। अंदर तो नहीं रखा मास्क मेरा? चलो आई विल सी टू इट। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है कि पहले ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा पेपर में, आपको फीचर लिख के दिया जाएगा, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी और पूछेंगे कौन सा फीचर है ये। समझ में आया? तो सबसे पहले है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, दीज आर सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। एक कंपनी के जो भी गोल हैं जो कंपनी को अचीव करने होते हैं वो सिंपल गोल होते हैं, 10% की ग्रोथ करनी है, 20 करोड़ की सेल करनी है, और ये क्लियरली आपको बताए जाते हैं। आपके इसमें गोल्स दिए हुए हैं जैसे कि 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख लगा के 1,20,000 रुपये कमाना है, सेल 10% से बढ़ानी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है इन एफर्ट्स को जो है इंडिविजुअल के और इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको वो करती है, यूनाइट करती है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अंडरलाइन कर लेना, मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द गोल्स। और आपसे पूछेंगे कौन से फीचर को दिखा रहा है, आप लिखोगे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मैंने पहले वाले की लास्ट 3 लाइनें पढ़ी हैं, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी और पूछेंगे कौन सा फीचर है, तो आप बताओगे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रियांशी समझ में आया? ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या आ सकता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर विद अ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल, द फोकस ऑन द टीम रादर देन द इंडिविजुअल। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन एन इंडिविजुअल। इसके अंदर कीवर्ड मार्क कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है, जो कि एक साथ टीम स्पिरिट के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं ताकि गोल्स को अचीव कर सके। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग विद टीम स्पिरिट, कीवर्ड। हाँ, ये वाला अंडरलाइन कर, मेरे में ये नहीं लिखा हुआ। अगर आपके में ये लिखा हुआ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, ये लाइन लिखी होगी, इसको अंडरलाइन कर लेना, पेपर में आएगी। और अगर आपसे पूछेंगे लाइन देके बताओ कौन सी वो है फीचर है, तो ग्रुप एक्टिविटी। समझ में आया सिद्धार्थ? गुरुवंश, ठीक है। इनटेंजिबल फोर्स का कीवर्ड है इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड। जब टारगेट अचीव होते हैं तब आप अच्छी मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो, ठीक है। जब एम्प्लॉयज एक कंपनी में हैप्पी होते हैं, जब आप जा रहे हो कंपनी में और कोई चुगली नहीं कर रहा कंपनी की, सब खुश हैं, सेटिस्फाइड है, एक ऑर्डर आपको मेंटेन दिखता है, ठीक है। आप धक्के नहीं खा रहे हो, आप एक जगह जा रहे हो, आपका काम हो रहा है, केओस नहीं मिल रहा है, तो वो आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट अच्छी है। इसलिए आप कहेंगे मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और महसूस आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हो, कीवर्ड, जब आपके एम्प्लॉयज हैप्पी और सेटिस्फाइड हों और आपके यहाँ पे ऑर्डरलीनेस दिखे और केओस ना दिखे। पेपर में दे देंगे कि आप एक कंपनी में घुसे, वहाँ पे आपको केओस दिख रहा था, कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं थी, एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी, ठीक है, और टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, तो बताओ कौन सा फीचर मिसिंग है। तो आप लिखोगे मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है और ये आया हुआ है बोर्ड्स में। समझ आया? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसमें याद रखना ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट, ऑल लेवल्स, ठीक है। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हॉस्पिटल, क्रिकेट टीम, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको लिख सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप पे भी उतनी ही चीज जरूरत है मैनेजमेंट की जहाँ आपके एक स्कूल में है। तो बताओ कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। समझ में आया? परवेसिव हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? मैनेजमेंट 3 लेवल पे करी जाती है, काम की मैनेजमेंट,
ठीक है, आपके लोगों की मैनेजमेंट और आपके पूरे प्रोसेस की, ऑपरेशन की, जो आपकी कंपनी में काम हो रहा है उसकी भी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले काम की मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क इन अ फैक्ट्री, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ गारमेंट स्टोर, कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन अ हॉस्पिटल पेशेंट इज ट्रीटेड। तो हर जगह पे कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ट्यूशन पढ़ाई जा रही है ना, ट्यूशन। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड। तो हर मैनेजमेंट के अपने इस काम के कुछ कुछ गोल्स होते हैं, डिसाइंड मींस टू अचीव इट। दिस इज डन, अंडरलाइन करो कीवर्ड, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, एक तो पहला कीवर्ड है मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क इन द टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड, ये भी आ सकता है आपको, ये कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। ठीक है, क्या मैम पहले कीवर्ड क्या है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड। ठीक है, दूसरा आ सकता है प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीशन टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइंड, अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। ठीक है, तो एक कंपनी में क्या क्या काम हो सकता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, क्या डिसीशन लेने हैं, क्या प्लान्स बनाने हैं, कितना बजट रहेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कितनी अथॉरिटी रहेगी, ये सारे कंपनी के मेजर काम होते हैं, ऊपर ऊपर के मैनेजमेंट के काम। हाँ, एक में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है। इसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं कि एक कंपनी के मोटे मोटे मैनेजमेंट के काम ये सारे होते हैं कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या अचीव करना है, क्या हमारा बजट्स हो गए, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन क्या करेगा, ये। फिर हमारे यहाँ पे कंपनीज में लोगों को मैनेज किया जाता है, लोगों को दो लेवल पे रह के मैनेज किया जाता है। सबसे पहले याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी का, किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। ठीक है, और लोगों ने मिलके काम करना होता है, लोगों को दो लेवल पे मैनेज किया जाता है। ठीक है, पीपल एज ग्रुप एंड पीपल एज इंडिविजुअल। तो बिजनेस स्टडीज के बच्चों को एज अ ग्रुप भी हैंडल किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को एज अ ग्रुप भी लिया जाएगा, और एज एन इंडिविजुअल जिस जिस बच्चे को जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है वो भी हैंडल होगा। सिमिलरली एक कंपनी भी करती है, एज अ टीम भी आप लोगों को हैंडल करेगी, एज एन इंडिविजुअल भी आपको हैंडल करेगी। तो दो लेवल पे मैनेजमेंट होता है कंपनी के एम्प्लॉयज का भी। समझ में आया? तो डीलिंग विद एम्प्लॉयज, अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर एंड डीलिंग विद एम्प्लॉय एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर ये दोनों लाइन आ गई तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल है, अदरवाइज डाइवर्स बिहेवियर हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। हर मैनेजमेंट के अंदर, हर कंपनी के अंदर कुछ इनपुट डलता है जिसका कुछ आउटपुट आता है ना। इस वक्त मैं जो बकवास कर रही हूँ ये मेरा इनपुट है, आप जो रिजल्ट लाओगे वो आपका आउटपुट होएगा। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट तक, साथ में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो मेथड यूज हो रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो बुक्स यूज हो रही है, ये सब मिलके एक आउटपुट देते हैं। तो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो कंपनी एक्चुअल में काम कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है, उसे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। तो हर कंपनी का अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो वो दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे उनकी कमाइयाँ चल रही हैं। दिस रिक्वायर्स प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड। एवरी कंपनी हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड। और दूसरा कीवर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल इनटू डिजायर्ड आउटपुट। मिला? मैंने एयरप्लेन मोड पर तो लगा लिया, पर मैं भूल गई, मैंने स्विगी करा हुआ है। एक सेकेंड होल्ड करना, ये भी चेक करो भैया जी कहाँ रह गए। कर लो, एक सेकंड में कॉल कर रही हूँ मैं, रुको। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्लियर है कि नहीं है? सिद्धार्थ, गुरुवंश, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे अगर पेपर में भी आ गया तो, जनरली नहीं पूछते हैं। ये सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन है, इसमें लगातार ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन चलते रहते हैं।
तो मैनेजमेंट एक बार की चीज नहीं है, इसमें लगातार चलता रहता है। ऐसा कीवर्ड्स भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायनामिक पे आ जाना, डायनामिक इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग एनवायरनमेंट कीवर्ड है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते वक्त के साथ बदलना। जैसे जैसे आपका जो है एनवायरनमेंट बदलेगा, माहौल बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, आपको भी बदलना पड़ेगा अपने काम को, अपनी मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। आपको उनको ध्यान में रखते हुए अपना काम करना होगा। हमेशा ये मैकडोनल्ड्स का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बाहर बीफ बर्गर चलता है US वगैरह में, ठीक है, यहाँ पे चलता है आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलता, ठीक है। आपका हैम बर्गर हो गए, आपके बीफ बर्गर हो गए, पॉर्क वगैरह, ये सब भेड़ बकरी गाय, अच्छा बर्गर में बकरियां होती हैं, हाँ मटन बर्गर यार हाँ वेज में चिकन देते हैं यार, वेज में हम वो चिकन बर्गर दे देंगे आपको, ठीक है। तो आलू टिक्की बर्गर इंडिया कॉन्सेप्ट है। तो ये मैकडी ने भी अपनाया है कि मुझे बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से, इंडिया में मैं गाय का बर्गर लिया तो आ जाएंगे वो कौन से वाले भक्ति होते हैं, कौन से होते हैं बजरंग दल, पीठ पाट डालेंगे मेरे, ठीक है ना, पीटोगे तुम, ठीक है। तो आप मैकडोनल्ड्स ने भी डर गया वो अंकित शुक्ला से कि पीट देगा मुझे, आलू टिक्की बर्गर लेकर आए वो, ठीक है ना अंकित। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा आज का। खुश कितनी तेजी से आगे आया है, ठीक है। आप एक बिजनेस जो है, बिजनेस तीन मुख्य कारणों से कर सकते हो, करते हैं हम जनरली। सबसे पहले होता है बिजनेस खोलने का मेन रीजन पैसा, ठीक है। बिजनेस कर ही क्यों रहा है, पैसे के लिए, उसे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैंने ट्यूशन सेंटर खोला, ट्यूशन सेंटर खोलते ही बस मेरे को इतना था, हे भगवान मेरा काम चला दे, बस मेरा रोटी पानी का काम हो जाए, ठीक है, मेरा ट्यूशन चल जाए, सर्वाइवल कहते हैं उसको, ठीक है। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सर्वाइवल, जिसके अंदर आपको कीवर्ड है अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ठीक है। अगर मेरा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का किराया है तो इतनी कमाई हो जाए कि मेरा वो 50,000 रुपया निकल जाए, ठीक है। तो कीवर्ड है अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ठीक है। अब मेरा काम चल पड़ा थोड़ा बहुत ट्यूशन का, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, मजा आ जाएगा, है ना। तो आपको जो है प्रॉफिट का लालच आता है, सबसे पहले भगवान से प्रे करते हो बस बिजनेस चल पड़े, सर्वाइव कर जाऊं, फिर प्रॉफिट चाहिए होता है। इसमें कीवर्ड है इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। एक बिजनेस खोलने का सबसे बड़ा इंसेंटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। एंड इसमें कीवर्ड है कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। आपकी कॉस्ट तो कवर हो ही हो और आपके पास इतना पैसा हो जाए कि कल को कोई रिस्क आए तो आप हैंडल कर सको, ठीक है। तो कीवर्ड है कवर कॉस्ट प्लस रिस्क, कीवर्ड है पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए। खाली कवर कॉस्ट आया तो सर्वाइवल, कवर कॉस्ट प्लस रिस्क आया तो प्रॉफिट, समझ आया। अब मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है, अब मुझे एक और ब्रांच खोलनी है, उसे कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। आप अपने बिजनेस के पूरे पोटेंशियल को यूज करते हो, आप अपनी सेल्स बढ़ाते हो, बच्चे 40 से 70 पे ले जाते हो, ठीक है। आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लगा देते हो ज्यादा, इम्प्लॉइज रख लेते हो और पैसा ज्यादा घुसा देते हो। पहले छोटा एक कमरे का सेंटर था, अब हमारा 2 फ्लोर का सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो इसको ग्रोथ कहते हैं, समझ में आया। ये तो थे आपके पैसे को रिलेटेड जो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके अलावा अब आप सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करते हो। हर कंपनी जब बिजनेस कर रही होती है उसको कुछ सामाजिक चीजें भी पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, ठीक है। आप जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, ऐसे प्रोडक्ट्स को ना बनाएं जो कि इन्वायरमेंट को खराब करते हों, या फिर आप जो है बच्चों के स्कूल्स खुलवा दो। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो स्कूल खुलवा देती हैं उनके इम्प्लॉयज के लिए, बच्चों के लिए क्रेच खुलवा देती है कि हमारे यहाँ महिला रोजगार भी आ रही है, महिला इम्प्लॉयज भी आ रही हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके लिए कुछ खुलवा दिए, क्रेच लाइट को कुछ हुआ था ना, ठीक है। उसके अलावा जो गरीब हैं उनकी मदद करना, अगर कोई जो है बच्चा आपका इस तरह से जो फाइनेंशियली हैंडल नहीं करता है क्लासेस वगैरह को, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करना, ठीक है। उसके अलावा किसी को नौकरी चाहिए, स्पेशली वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उसको सपोर्ट करना। और आपका जो है गांव के एरिया में जाके फैक्ट्री खोलना, गांव के एरिया में जाके सेंटर खोलो, गांव के एरिया में जाके हॉस्पिटल खोलो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी होगी और उनको सर्विसेज भी मिलेंगी, दोनों चीजें, समझ में आया। एक पिछड़े इलाके में जब भी फैक्ट्री खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, सड़कें बनवाओगे,
सड़कें बनाने के लिए भी लोग चाहिए, वही लोकल लोग। कब बिल्डिंग बनवाओगे, वहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे आके और लोग रहेंगे शहरों से जाके, क्योंकि आप वहाँ पे हाई फाई मैनेजर्स भी रखोगे, आगे उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, वो स्कूल भी बनेगा, तो ऐसे उस एरिया की तरक्की हो जाएगी। समझ में? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब अपने खुद की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है। खुद की इच्छाओं में इसमें मैनेजर्स की इच्छा की बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में जो मैनेजर होगा उसके खुद के भी पर्सनल क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उस बिजनेस में। सबसे पहले फाइनेंशियल नीड के लिए जुड़ेगा वो आपके साथ, कि उसके पास पैसा आ जाए। अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, अच्छी खासी सैलरी मिली हो और खूब सारे बेनिफिट्स। पर्क्स का मतलब पर्क चॉकलेट नहीं है, बेनिफिट्स है, ठीक है। सोशल नीड हो, समाज में उसका नाम हो, ठीक है। वो जाके बोले हाँ जी मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, तो लोग उसे पहचानेंगे, हाय हेलो करेंगे। बोलेगा लोटस सर्कल में पढ़ता हूँ, कौन सा है वे लोटस सर्कल, कहाँ पर है बता दो। तो सोशल नीड आपका पीयर रिकॉग्निशन, लोग आपसे मिले, जैसे आप लोग भी सेंटर आते हैं आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, इट इज आपकी सोशल नीड का पूरा होना, पीयर रिकॉग्निशन। हायर लेवल नीड, मेरा प्रमोशन हो, मेरी सैलरी बढ़े, मेरे को और चार चीजें आए ताकि मैं कल को दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी पे लग जाऊं। समझ में आया? ये आपके तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव थे। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, फटाफट आंसर देना, ठीक है। मेरी डेवलपमेंट हो और पर्सनल ग्रोथ हो, वो किसमें जाएगा? और पर्सनल ग्रोथ हो मेरी एज अ पर्सन, उसे कौन सी ऑब्जेक्टिव में काउंट करेंगे और कौन सी ऑब्जेक्टिव में भी कौन सी नीड है वो? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हायर लेवल नीड, ठीक है। बिजनेस इतना चल जाए कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, सर्वाइवल। और वो कौन से के अंदर आता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं जो हूँ अब जूट के बैग बनाऊंगी, पहले मैं प्लास्टिक के बैग बनाती थी, पर अब मुझे जूट के बैग बनाने, क्योंकि वो प्रदूषण नहीं करते। सोशल ऑब्जेक्टिव, मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए और रिस्क भी कवर हो जाए। प्रॉफिट, मेरे को जो है लोग रिकॉग्नाइज करें, मुझे वैल्यू करें। सोशल नीड में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सोशल नीड है ये। समझ में आया? पेपर में आ जाएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना रखती हूँ, मत डरो, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंस कराऊंगी। अगर सैंपल पेपर में बंगे लिए इन्होंने, ठीक है। मंडे को क्लास है 5 से 6, अपनी कोई और क्लास मत रखना, ठीक है सिद्धार्थ। मंडे 5 से 6, ओके बाय।